प्रदेश में हरियाणा राज्य की तर्ज पर निजी नौकरियों में 75% आरक्षण की मांग को लेकर महेंद्र ढाका ने कई युवाओं के साथ में प्रदर्शन भी किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन के दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जो बेरोजगार युवा हैं वे अपने जिले में लौट चुके हैं और अब इनके पास में कोई काम नहीं है, लिहाजा इन्हें जब भी काम मिले तो कम से कम निजी नौकरियों में इनको हरियाणा की तर्ज पर 75% आरक्षण के साथ में मिले। दिखाते हैं हम आपको कि महेंद्र ढाका के नेतृत्व में युवाओं ने क्या प्रदर्शन किया। आइए दिखाते हैं हम महेंद्र ढाका से बातचीत के संपादित अंश। बीकानेर की युवा शक्ति ने प्रदर्शन किया है और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री के लिए कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री मोदी को ज्ञापन दिया है कि हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें वहाँ के लोकल युवाओं को जो निजी क्षेत्र में कंपनियां काम कर रही है 75% आरक्षण दिया है और ये कानून बनाया है। तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार भी हरियाणा की तर्ज पर यहाँ के लोकल युवाओं को 75% आरक्षण दे, हमारी ये मांग है। जो हमने आज प्रदर्शन किया है, सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि वहाँ की स्थिति को देखते हुए यहाँ के लोकल युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि यहाँ के प्रवासी राजस्थानी जो बाहर गए हुए थे वो अभी सारे को लॉकडाउन की वजह से बीकानेर या राजस्थान आ चुके हैं, तो उनको उसी की तर्ज पर यहाँ पे लोकल रोजगार उपलब्ध कराए